जीते को गुरुदेव, मैं अपने सामने एक प्रतिज्ञा रखा था कि भगवान शिव के धनुष को जो भी वीर तोड़ देगा मैं अपने पुत्री की शादी उसके साथ कर दूंगा। वह प्रतिज्ञा आज मेरी पूरी हो गई। भगवान शिव की धनुष टूट गई। शिव की धनुष टूट गई। हाँ, मिथिला पते उदय पता, मिथिला पते उदय पता, को किसने तोड़ा है, किसने सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी तू उसकी सूरत मत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा और जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट उलट कर डालूंगा। भगवान शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं की वह कब किससे डर सकता है। जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। सेवक तो वह कहलाता है जिसका सेवा पर ही दिल हो और जो बारी कैसा काम करे वह काट डालने काबिल है। राम बड़ा है अगुआ तू, राम बड़ा है अगुआ तू इस छत्री दल की गाड़ी में। इस यम मसल वह याद आई तिनका है चोर की गाड़ी में। सुक्का संवाद कभी सुक्का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पीड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोलू में फेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले अब उल्टे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम सही हमने ही जहर नहीं छोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप शिव धनुष जमीन तोड़ा है। बचपन में जो धनुष तोड़ी तो कभी न ऋषिया इतने इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी आप करवाए। राजा के लड़के मुंह को नहीं संभाल रहा तू और मुझे क्रोधी के आगे आके लाल लाल श्री महादेव का महाधनुष रे श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अजर है और ऐसा प्रचंड को दंड वाला छोटी छोटी धनुष। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना। यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमाओ मांगनी चाहिए शांति ब्राह्मण में। रे बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है। रे बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है और क्या मैं उतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है। रे मुझको सीधा ब्राह्मण जान, रे मुझको सीधा ब्राह्मण जान। मैं छत्री कुल का द्रोही हूँ और भी वंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ। मेरे इस भीषण लोहे ने रे मेरे इस भीषण लोहे ने सोरित की नदी बहा दी और अनेकों बारी सारे भूमि में छत्राड़ी रार बना दी। बस इसी एक फरसे से सुरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर क्या फरसे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बार यह सतराप का गुट्ठल है। फरसे में नहीं प्रबलता जो बूढ़ी वाड़ी में बल है। क्यों बुढ़ा फरसा दिखला कर छत्री कुमार को डरा रहे। बलिया रातों फूको से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाए। वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो अंगुली से मुड़ जाए। दुधमुहे परोसे हंसी छोड़ यह हंसना तुझे मुड़ाएगा और कर देगा भी गाँट खट्टे यह फरसा स्वर्ग चढ़ाएगा। रे तू बच्चा है बच्चा हीरा, अरे तू बच्चा है बच्चा हीरा
तो मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण मछुआ करता है। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुझे नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुरसी से तुरता जाए, डर है फरसे की लपटों से कहीं अत्यधिक उबाल ना आ जाए। भगवान भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, या तो गंगा का है भाव जो कुछ आए वह बताए। आते ब्राह्मण की बात यदि आप तो सालेता या लाते भी, वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ, या तो सब प्रकार से निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी के वास्ते जानते हो मेरा यह फरसा उसे सजा देता है, या तेरा सर काट के उसकी सजा देगा। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाली तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था। बस उनकी संपदा हुआ, जो मालिक था उसने सामने ही तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ जाले। मेरे धनुष के स्यापे में ब्राह्मण तुड़ने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर देने आए। रे जो पिछ के नीर से उलझ हुआ और माता का बलिदाता है, और खुद उलझ के कारण वही हाथ एक बार फिर खुजलाता है। अरे उस कारण इस कर्जे का भुगतान करूंगा, और अपने इस खूनी फंसे से आज तेरा बलिदान करूंगा। या फरसा दिखलाकर क्यों बार बार मुझे डराने आए हो? क्या काल तुम्हारा वाहन है जो उसे साथ ले आए हो? वह सुर नहीं कहलाते जो अपने आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते जो बातों से भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही सुबो जिसने घर का लहू चाटा, परसों की जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का तो मैं उसको निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। तू छोटा है पर बड़ा ही ठीठ और छोटा है। अरे तू छोटा है पर बड़ा ही ठीठ और छोटा है। सोने के लोटे में पीछे जो दूध मिलाकर होता है। रे शंकर का कर को दंड खंड करता अपने घमंड अपने बल का, और में खेला है मुझ देखा। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में गिर जाती है, मंडन में उम्र गुजर जाती खंडन में देर न लगती। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें किस बल का हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले दांत देखो कितने मोटे मोटे हैं, पर जिससे वह चबाता हुआ तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रड़ के पाले पड़ते हैं, तो उस समय काल समूह को तो कुश्ती उससे लड़े जाते हैं। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया, व्यर्थ के लाला जो इसे नहीं संहार किया। नहीं सलाम बाल मत का जब ये खुद मरना चाहता है, और मत देना कोई दोस्त मुझे फटता इसे चाहता है। इस बालक को क्षमा करे महादेव, ये तो बालक आदान बालक है। रे विश्वामित्र, जब आप कह रहे हैं तो मैं इसे क्षमा कर दूंगा, अपना क्रोध भी वापस ले सकता हूँ। लेकिन देखिए विश्वामित्र, इसको अभी भी देखिए, यह बार बार मुस्कुरा रहा है। अरे इसकी मुस्कुराहट, इसकी मुस्कुराहट करती भिड़ छाती है, और इसकी व्यंग भरी चुकी मेरे दिल में आग लगाती है। ए, इसको भी तो कुछ शिक्षा दो, इसको भी तो कुछ शिक्षा दो। मुझको ही समझाते हो, मेरी आंखों के आगे से क्यों नहीं सहलाते हो? आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मुड़ चले जाओ, छाती पे दिन होती हो तो छाती पर हाथ मल ले जाओ। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो, दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो।
यदि छेड़छाड़ी बाती तो व्याख्या सुना। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है, मस्तक पर है या परशुराम, यह राम नाम चढ़ो पर है, मैं राम अब परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ भी नहीं हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं, हम जितने नौते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं, इतनी हट इतनी जुझलाहट इतना क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा प्रभु विरोध। हे राम तुम्हारी बातें सुन, हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है और फिर देख तुम्हारे भाई को गरमाई पिरा जाती है। अरे देखो तनिक कुछ और देखो, वह भी तो मुस्काता है और उसका रहना कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ दुविधा में चित पड़ा है, बस इसे मार ही डालूंगा, हे राम मेरी सोचा है। अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा, मुनिराज वर्णमाला में से यक्षण निकलवाइएगा, बलिहार की